बताओ क्या सेक्शन बनाई है? कौन से सेट का है? रेडमी 4X का क्या क्या है लाइन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये सीपीयू है, ये डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है, उसके बाद ये डुअल कॉइल। कौन सी लाइन है ये? MIDI लाइन है ये। सीधा सी पी लिखो MIPI, क्या लिखोगे? MIPI, हाँ ठीक है, MIPI लाइन, ये सीधा सीपीयू में जाता है, ठीक है। और उसके बाद ID0 ID1 ये भी सीपीयू में जाता है, ठीक है। और उसके बाद रिसेट लाइन, उसके बाद TO, ठीक है, दोनों भी सीपीयू में जाता है, ठीक है। उसके और VSP और VSN ये ग्राफिक आईसी से आ रहा है, ठीक है। और VIO जो है वो पावर है, ठीक है, पावर, ये DC हटा के पावर डालो। आप भी बनाए ना ये? जी। कहाँ से बनाए? देख के डायग्राम में। कहाँ से देखे? डायग्राम में समझ के बनाए कि कॉपी कर ली? एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, आपका बताओ भाई, कहाँ से है तुम वैसे? महाराष्ट्र में। कहाँ? भीड़। बैठो भाई प्लेस पे, उठो मत, अपनी प्लेस पे बैठे रहिए। भीड़ में कहाँ रहते हो? भीड़ में शुरू तालुका पोस्ट ड्राइव। अच्छा, दुकान का एड्रेस है क्या? पहले कभी आता था ऐसा बनाने? समझ में आ रहा अभी? ठीक है, आपका बताइए। ग्राफिक सेक्शन है, कौन से मॉडल का है? 6A और 6। अच्छा, रेडमी 6, ठीक है, ग्राफिक आईसी नहीं रहती है, इसको DC to DC से ही आता है ग्राफिक सेक्शन, ठीक है। इसमें VCM AVV -5V और VCM ADD +5V आता है, वेरी गुड। और पावर आईसी से IEO आता है 1.8V, IO वोल्टेज, VIO। और सिग्नल आते हैं इसको LCM RST CP को जाता है और TFCP को ही आता है, ठीक। समझ में आया ये? आप अपने से रात में बना के लाए ना ये? हाँ सर। मैं कोई और मॉडल का बताया था आपको, ये आप अपने से समझ के बनाए। तो ये ग्राफिक का प्रॉब्लम आया तो रिपेयर कर सकते हैं, तो ये आप रात में हॉस्टल में बनाए ना ये? यहाँ बैठ के तो नहीं बनाए क्लास में, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आपका बताओ भाई, कहाँ है? ठीक है, चलो। आपका बताओ अश्वास सादे, सॉरी, आप कहाँ से हैं? आंध्रा से चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से। ये कौन से मॉडल का बना के लाए? MI Note 3 सर, Redmi Note 3। हाँ सर, ठीक है। क्या ऐसा बनाए, क्या क्या बनाए बताओ लाइन? ग्राफिक सेक्शन है सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसमें डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर से ये दोनों ड्यूअल कॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है, दो लाइन से कॉइल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। MIPI लाइन है और DSI लाइन जाते हैं इसमें से, ठीक है, CPU को, ठीक है, 10 लाइन जाते हैं इसको, ओके। और इसको पावर कनेक्टर से पावर को VR लाइन जाती है, ठीक है, थ्रू रेसिस्टर के, ठीक है, पावर आईसी को और चार्जिंग आईसी को दो लाइन। चार्जिंग ही हमारा ग्राफिक आईसी है इसमें, ठीक है, ठीक है। कौन सा लाइन आ रहा है? VSP और VSN। VSP VSN 5V का था, -5V का आता है इसे, ठीक है। और इनमें से CPU को इसके 10 लाइन्स के अलावा और 4 लाइन्स जाते हैं, RST लाइन और TE लाइन, वेरी गुड, टीयरिंग इफेक्ट लाइन बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसको ID1 ID0 के जीरो रेसिस्टर वैल्यू रेसिस्टर्स के 2 लाइन CPU को जाते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ, थोड़ा सा ऐसा बताओ ना मेरे को, ऐसा बुक बताओ थोड़ा इधर, वेरी गुड, अच्छा बनाए, ठीक है। इधर आपका भी बताओ, थोड़ा सा खोल, ऐसा ऐसा बताओ, बुक ऐसे बताओ, वेरी गुड, हाँ तुम्हारा बताओ, अच्छा बनाया आप लोग, वेरी गुड, ऐसे ही बनाना, ठीक है। पुनीत आपका बताओ, कौन सा मॉडल का बनाए? ठीक है, ऐसा बताओ मेरे को, बोलो मत, ऐसा बताओ, हम इसको बंद कर दो, रिमार्क्स लगाओ भाई, इधर बता, कौन सा मॉडल है भाई? ओप्पो F9 और F9 प्रो का ये आता है। F9 और F9 प्रो, ठीक है, कितने क्या क्या बनाए इसमें बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो सर। डुअल कॉइल है, MIPI और CPU को जाता है, ठीक है, और ये दो रजिस्टर है और ID लाइन है सर, ठीक है, ID0, ID1, ID2, वेरी गुड। AB CP को जाता है,
और एक ग्राफिक आईसी है। सो इसमें यूएसपी और यूएसपी नेगेटिव और यूएसपी पॉजिटिव, ठीक है, वो प्लस और माइनस और 10 वोल्ट का है और कैपेसिटर है, ठीक है, और ये ग्राफिक को जाता है सर, और एलईडी 1P8 और एसी को जाता है सर, ठीक है, और दोनों में एक RESTI लाइन और TE ये भी और सीपीयू को जाता है सर। बीच में क्या मिला है? रजिस्टर और रजिस्टर्स मिले, ठीक है, समझ में आया आपको ये? अभी दूसरा कोई मॉडल बोले तो बना सकते ना, ठीक है, चलो वेरी गुड। बताओ भाई तुम्हारा, हाँ थोड़ा इधर देखना, क्या मॉडल का बनाए? रेडमी 6 और 6A का यही आता है। ओके, क्या क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर ये अच्छा बनाया, वेरी गुड सर। ये डिस्प्ले कनेक्टर है और ये सब हमारा कॉइल है, डुअल कॉइल, ठीक है, तो यहाँ से MIPI लाइन दोनों का सीपीयू को जाता है, तो 10 लाइन जाता है टोटल, ठीक है, एक का 2 मतलब 5 का 10 जाता है सीपीयू में, ठीक है, फिर वहाँ से ये हमारा -5 +5 का लाइन है, ठीक है, ये आता है DC to DC IC में, ठीक है, तो यहाँ से और एक और 2 लाइन आता है, वो LCM RST वो और TF लाइन दोनों आता है डिस्प्ले कनेक्टर में, फिर और LCM ID 0 ID 1 भी आता है ऊपर से, ठीक है, डिस्प्ले कनेक्टर में, और ये एक लाइन PMIC का हमारा जाता है, VIO का लाइन। तो ये कहीं से कहाँ से कॉपी कर रही है? सर कॉपी नहीं किया मैं, बस जो डायग्राम देख के बना दिया, खुद देख के समझ के बनाए जी सर। मैं तो नहीं बताया ना तुम्हारे को, नहीं सर, मैं तो आपको कोई दूसरा मॉडल बताया, देखो यार डायग्राम अभी बना हुआ है, तो अभी इसमें अपने को लाइन देख के समझ में आ रहा जी सर, रीड करने आ रहा आपको जी सर, हाँ पहले ऐसा डायग्राम बनाने आता था क्या आपको? नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उड़ीसा से है ना आप? कहाँ से? उड़ीसा से, केंद्रापुरा से। केंद्रापुरा से अभी डायग्राम रीड करने आ रहा जी सर, लाइन आ समझ में आ रहे हैं क्या लाइन है क्या नहीं, और कुछ बनाए क्या ऐसा डायग्राम? अच्छा रफ में बनाए थे, ये रेडमी 7 का है, ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा बनाए, वेरी गुड, थैंक यू। आपका बताओ यार शिखर। वेरी गुड, थोड़ा ऐसा पकड़ो, क्या मॉडल है ये बताइए थोड़ा सा। MI Note 3 कॉलकॉम, ठीक है, थोड़ा लाइन एक्सप्लेन करो जरा क्या बना है इसमें। सर इसमें जो है ना पहले ये चेक कर लेना कि MIPI, ठीक है, जरा जोर से थोड़ा साइलेंट रहो जी, इसको अपन DSI भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको सीपी को अंदर जाएगा सर, ठीक है, और इसमें से ID 1 ID 0 भी जो सीपी को कनेक्ट होगा सर, ठीक है, और इसमें टेक्सिंग इफेक्ट का जो भी सीपी को कनेक्ट होगा सर, ठीक है, टीयरिंग इफेक्ट RST भी सीपी को कनेक्ट होगा, ठीक है, और जब ग्राफिक एसिस है ये अपने को VSP लाइन आएगा एक प्लस 5 वाट्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसका जो बुश कॉल के साथ आएगा सर, और VRE आएगा कितना वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज मालूम है ना कितना आता वहाँ पे, ठीक है, तो ये जो बनाए आप खुद अपने से बनाए? मैं खुद बनाया। कब? रात में हॉस्टल में आप डायग्राम देख के समझ के बनाए कि कॉपी करे? यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन तो नहीं देते ना डायरेक्ट, डायग्राम से रीड करके बनाते हैं। किससे बनाए? डायग्राम से देख के तो नहीं बना लिया, बोर्नियो में बना दिया बोल के, हम यहाँ खोलते क्या? वो खुलते ही नहीं, हम कहाँ से सीखते हैं? हम स्कीमेटिक डायग्राम से। तो ये तो एक ग्राफिक का हो गया, इसके अलावा अगर कोई और भी दे दूं, कोई भी मॉडल दे दूं तो बना सकते हैं ना? समझ में आ रहा अभी? पहले आता था ऐसा? अभी लाइन समझ में आ रहा है, सप्लाई कहाँ से आ रहा, कितना वोल्टेज आ रहा, उसका काम क्या है? आप कहाँ से? वैसे लोकल मेटचल से। मेटचल से है, ठीक है, समझ में आ रहा जो पढ़ा रहे, बाकी हैंड स्किल का काम समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आपका कहाँ है भाई? कृष्णा थोड़ा बताओ, कौन सा मॉडल का बना दिया? 4X MI 4X, थोड़ा सा बताओ, अच्छा बताया आप भी, थोड़ा सा ऐसा पकड़ लो, वेरी गुड, इधर देखिए एक मिनट, ठीक है, तो थोड़ा बता सकते हो क्या क्या बना है इसमें? पहले से डिस्प्ले कनेक्टर चेक किया, ठीक है, उसके बाद D1 D0 चेक किया, उसके बाद वो सीपीयू में चला गया सर, ठीक है, उसके बाद टी लाइन चेक किया, वो भी सीपीयू में चला गया, ठीक है, लाइन एक सर इसमें रजिस्टर है, कितने ओम्स का? 0 ओम्स का, ठीक है, वो लग के फिर से सीपीयू में चला गया सर, ठीक है, और इसमें सर आ गया 27 पिन में BSP BSN, ठीक है, प्लस से माइनस से, और इसमें एक रजिस्टर
टच ओके ग्राफिक है इसमें चला गया सर। ठीक है, तो ये समझ के बनाए आप? हाँ सर। कब? रात में बनाए? रात में सर। समझ में आया ना? अभी कोई नया मॉडल दे दूं तो उसका भी बना सकते हैं ना? कोई भी दे दूं, कोई भी मॉडल? ठीक है, पहले ऐसा डायग्राम रीड करने आ रहा था आपको? नहीं नहीं आता था। ये जरूरी है कि नहीं है बताओ भाई? ये सर जरूरी है। अच्छा, एक ग्राफिक का प्रॉब्लम आया, मैं ग्राफिक ऐसी चेंज कर दिया, ग्राफिक नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रेस करना है, यही सब तो देखना है ना, तो ये बनाना ही जरूरी है सर। आईसी तो आप डाल देते, कितनी देर में डालते हैं आईसी? 15 मिनट 10 मिनट में निकाल के नहीं ऐसी रिवॉल्व करके डाल देते, फिर भी नहीं आ रहा तो हम कहाँ फंस जाएंगे फिर? ट्रेसिंग में यही फंस जाएंगे। तो अगर ये अगर सीख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बना सकते हैं ना अभी? कोई भी मॉडल दे दूं? हाँ सर। ठीक है, चलो, वेरी गुड। आपका कहाँ है साहब, बताओ? क्या मॉडल है? नोट 5 प्रो। ठीक है, क्वालकॉम सीपीयू है इसमें। तो ये कहाँ रात में बनाए आप, कहाँ बनाए? रात में, दिन पे। थोड़ा लाइंस बताओ क्या क्या बनाए इसमें? इसमें सर LCD कनेक्टर से MIPI लाइंस सीपीयू को जाता है। कितने लाइंस होते हैं? 10 लाइन, जिसमें 8 लाइन डेटा के, 2 लाइन क्लॉक के। वेरी गुड। उसके बाद मैंने बनाया सर VSP M और VSP P। ओके, एक पे -5 वोल्ट और एक पे +5 वोल्ट आपको ग्राफिक्स आईसी से आता है। वेरी गुड। ID लाइन आपको डिस्प्ले कनेक्टर से ID 1, ID 2, ID 3, जिसमें तीनों में एक एक रेजिस्टेंस 2.2K का लगा हुआ है, वो डायरेक्ट आपको सिग्नल के लिए सीपीयू में जाता है। ठीक है, जिसे I2C लाइन और SDA लाइन भी कहते हैं। SDA और SCL? SCL। ओके, रीसेट लाइन में एक डायोड लगा हुआ है ग्राउंड से पैरेलल, और okay, वो डायरेक्ट आपको सीपीयू में जाता है। वेरी गुड। TE लाइन भी सीपीयू में जाता है, जितना भी लाइन सीपीयू में जाता है उस सब पे 1.8 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ से बनाए आप? ये रात को रूम पे बनाया, रात में रूम पे समझ के बनाए, क्योंकि कंपोनेंट भी बनाए आप, खाली लाइन भी नहीं बना दिए, तो जो बनाए वो समझ में आ रहा अभी? जी सर। अभी कोई और मॉडल दे दूं तो बना सकते? जी सर। अच्छा, यही चीज अगर रिपेयरिंग में आ जाए आपकी नोट 5 प्रो हैंडसेट है यहीं पे, तो मैं इसका अगर आईसी चेंज कर दिया PM60L, फिर भी ग्राफिक नहीं आ रहा तो क्या करना है अपने को? फिर हम सबसे पहले तो PMI सर, यही सारे सप्लाई देखना है ना, चेक करेंगे। हाँ, स्टेप्स पता है ना सारे, जीरो से लेके आखिर तक बताया आपको क्या क्या करना है। इसी में से कुछ होगा ना, प्रॉब्लम होगा तो? जी सर। है ना, तो कोई भी मॉडल आ जाए ग्राफिक का रिपेयर कर सकते हैं। जी सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से है तुम? पटना बिहार। कहाँ पे? न्यू अलकापुर। पहले ये डायग्राम वगैरह कभी ऐसा बनाते थे, कभी समझते थे? नहीं आता था। ओनली हार्डवेयर सॉल्यूशन। कहाँ सीखे? सीखे फोन फिक्स हैदराबाद। फोन फिक्स में। ठीक है, पढ़ा रहे जो समझ में आ रहा? जी सर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा, है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।